कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया। आइंदा अगर तुमने मेरी दहलीज पर कदम रखा ना तो टांगे तोड़ लूंगा तुम्हारी। दबाओ जाओ यहां से। जिंदगी भर मैं तुम्हें ये चीज फील नहीं होने दूंगा कि फैसला मैं जल्दबाजी में किया था। ठीक है, असल मैं जान सकती हूँ तुम ये सब मेरे साथ क्यों कर रहे हो। मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, तुम कॉल नहीं उठाते। मैं मैसेज करती हूँ, तुम रिप्लाई नहीं करते। तुम ये सब मुझे इरिटेट करने के लिए कर रहे हो। असल मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ज़ारा मुझे भी तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरह करूँ। असल जो भी बात है मुझे बता दो, इस तरह से हेजिटेट मत करो। कितनी बदनसीबी की बात है ना कि इंसान जिस सबसे ज्यादा क्लोज होता है और उससे हर बात शेयर करना चाह रहा है बट वो कर नहीं पा रहा। ज़ारा मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात शेयर करना चाह रहा हूँ बट मैं समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरह करूँ। असल जो भी बात है मुझे बता दो, इस तरह से सस्पेंस मत क्रिएट करो प्लीज। ज़ारा ये बात बताने से पहले मुझसे प्लीज कमिटमेंट करो कि तुम इस बात का जिक्र मॉम से बिल्कुल भी नहीं करोगे। इनफैक्ट किसी के सामने मत करना। जब तक मैं तुम्हें कह नहीं देता तब तक वो बात अपने तक रखना, सीक्रेट रखना। ओके कम ऑन हसन, अब जो भी बात है मुझे बता दो। देखो ज़ारा, आई डोंट नो तुम कैसे रिएक्ट करोगी। I'm committed somewhere else. मैंने निकाह कर लिया। What? ऐसे तुम मजाक कर रहे हो ना? You know, I'm very sensitive about you. मुझे इस तरह का मजाक नहीं पसंद। तुम ये सब मुझे इरिटेट करने के लिए कह रहे हो ना? Even you know कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम कभी भी, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, I am serious। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो असद? तुम ऐसे किसी और से कमिटमेंट कैसे कर सकते हो? तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? सारा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। ये है तुम्हारी दोस्ती? तब बड़ा फैसला ले लिया तुमने, मुझसे पूछा तक नहीं। और अगर असद ये सब सच है ना, मुझे नहीं लगता कि आज के बाद हम कभी मिल सकते। ज़ारा रुको तो सही। Don't touch me। तुम्हें मेरे कुछ भी नहीं लगते। और अब मैं यही सोचूंगी कि तुम मेरे कभी थे ही नहीं। इनफैक्ट आज के बाद तुम मेरे लिए मर चुके हो। ज़ारा, ज़ारा, ज़ारा मेरी बात तो सुनो। ज़ारा मैं तुम इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर बैठा हूं। मुझे ज़ारा से बात नहीं करनी चाहिए थी। ज़ारा, ज़ारा, are you okay?
Yes. I need some rest. देखो सारा, I don't know तुम कैसे react करोगी. I'm committed somewhere else. मैंने निकाह कर लिया. आज सुबह भी असद अपनी शर्ट ढूंढ रहा था, उसको मिल ही नहीं रही थी. तुम तो एक काम करो, इसके काम छोड़ ही दो, बस बाहर के काम देखा करो. मैं असद के सारे काम खुद देख लूंगी. मेरी तो खैर है, मैं तो आपकी बातें सुन लेती हूँ, मगर असद साहब की जब शादी होगी ना, उनकी बीवी आपकी बातें नहीं सुन पाएंगी और वो अपनी मर्जी करेंगी, फिर आप क्या करेंगी? अगर उसने भी ना अपने काम से जान छुड़ाई ना तुम्हारी तरह, तब मैं असद के काम खुद ही कर लिया करूंगी. लेकिन मुझे लगता है कि जारा मुझसे ज्यादा ही ख्याल रखेगी असद का. समझी? जी, समझ गई. अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ मारिया, लेकिन जारा का समझ नहीं आ रहा है. अभी अभी घर आई है, रोती हुई, और खुद को कमरे में बंद कर लिया है. ऐसा क्या हो गया भाईजान? इस तरह क्यों बिहेव कर रही है वो? आपने उससे बात करने की कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश की, लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रही है. बस बच्चों की तरह मुसलसल रोए जा रही है. अच्छा तुम एक काम करो, जरा मालूम तो करो, असद और उसका कोई झगड़ा तो नहीं हुआ है? अरे नहीं भाईजान, आज तक कभी उसका और असद का झगड़ा हुआ है? उनमें तो माशाल्लाह से कभी आर्ग्यूमेंट भी नहीं होती है. वो लोग मैच्योर हैं. आप कैसी बातें कर रहे हैं? कुछ और बात होगी. आखिर ऐसे क्या बात है जो इस कदर परेशान है? अच्छा आप कम से कम परेशान मत हो, मैं खुद बात करती हूँ उससे. यस प्लीज, आई विश वो तुम्हारी कॉल पिक कर ले, तुम्हारी बात हो जाए. ओके, अल्लाह हाफिज. किसी और से कमिटमेंट कैसे कर सकते हो? तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? तब बड़ा फैसला ले लिया तुमने, मुझसे पूछा तक नहीं. तुम्हें मेरे कुछ भी नहीं लगते, और अब मैं यही सोचूंगी कि तुम मेरे कभी थे ही नहीं. इनफैक्ट आज के बाद तुम मेरे लिए मर चुके हो. क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रही हो? आंटी आपने ये अच्छा नहीं किया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया. आपने तो कहा था कि मेरी शादी असद से होगी, और अब? हाँ तो बेटा तुमसे ही होगी, बल्कि मैं तो आजकल मैं तुम्हारे घर आने ही वाली थी हबीब भाई से तुम्हारे रिश्ते की बात करने के लिए. फॉर गॉड सेक आंटी, आपको नहीं पता कि असद का निकाह हो गया? ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है जारा. ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, बिना वजह जज्बाती हो रही हो, मैं जानती हूँ ना उसे. गलत फहमी मुझे नहीं, आपको हो रही है. वो शादी कर चुका है, उसने मुझे खुद बताया. अरे वो मजाक कर रहा होगा तुमसे. मैं जानती हूँ ना उसे, आखिर माँ हूँ उसकी. तुम बिना वजह जज्बाती हो रही हो. कौन सी माँ? वो आपको माँ समझता ना तो आपको बता देता. उसने सिर्फ मुझे नहीं,
उसने हम सबको धोखा दिया है, उसने हम सबको चीट किया है। प्लीज जारा, कंट्रोल योर सेल्फ। तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही हो? पहले तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, मुझे लगा वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ मैंने इमेजिन किया था, मेरे सारे ख्वाब सब टूट चुका है। और यही कुछ आपके साथ होने वाला है, आपके सारे अरमान बिखरने वाले। अब सब हो गया, उसने जो करना था उसने कर लिया है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुम ऐसा कर सकते हो। जो कुछ भी मैंने सुना है असद, क्या वो सच है? जारा ने मुझे जो कुछ भी बताया, क्या वो सच है या नहीं? तुमने शादी कर ली असद? हाँ असद, नजरें चुराने की जरूरत नहीं, मुझे देखकर बात करो। बोलो ये सच है असद? मेरे प्यार में कहाँ कमी थी? हाँ, मैंने तुम्हें सगी माँ से कम प्यार किया था। अरे उसने तो तुम्हें जन्म दिया था, मैंने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया। इस दिन के लिए कि तुम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करो, मुझे नहीं पता चुप क्यों? जवाब दो असद। अरे ये कैसी शादी है? कैसी शादी जिसको तुम गुनाह की तरह छुपा रहे हो मुझसे? हाँ हाँ, आप आए, आप बैठे। अरे क्या बैठे, क्या बैठूं मैं असद? मैं जानना चाहती हूँ कि वो लड़की कौन है, वो लड़की जिसने मुझसे मेरा बेटा छीना है। आखिर ऐसी कौन सी लड़की है जिसने तुम्हारे दिल में इतनी जगह बना ली कि तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे चीजें छुपाई? क्यों तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं बोल रही हूं, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, मुझे बताओ। मां, मैं मजबूर हो गया था, डैड ने मुझे ऐसे इम्तिहान में डाल दिया था। मैंने उनको कहा भी था कि मां, मैं आपको बताने वाला था, मगर क्या जरूरत थी? सौतेली जो हूं, है ना, मेरे प्यार में तुम्हें कहीं कमी महसूस हुई क्या? कहीं मैंने तुम्हें ऐसा महसूस होने दिया कि मैं तुम्हारी सगी मां नहीं हूं? तुम भूल गए कि मैंने तुमसे कितना प्यार किया है? तुमने बहुत बुरा किया है मेरे साथ, बहुत बुरा। कितना मान था मुझे तुम पे, तुमने जरा सा भी नहीं सोचा कि जब इन बातों का लोगों को पता चलेगा तो वो हंसेंगे मुझ पे। मॉम, प्लीज मेरी बात सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे असद,
सब खत्म हो गया, सब कुछ। हम मुझे कुछ कहने का मौका तो दें। मुझे पता है कि आप मेरी मजबूरी समझेंगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी असल। मॉम स्टडी करने के बाद ही जवाब दूंगा। एक्सक्यूज मी। हाँ सर। हेलो डैड, कहाँ हैं आप? क्या हुआ? मैं ऑफिस में हूँ। तुम परेशान लग रहे हो, सब खैरियत तो है? डैड, मॉम को सब पता चल गया। मुझसे गलती हो गई, मैंने ज़ारा को सब कुछ बता दिया। मैं उन्हें फेस भी नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज डैड, टॉक टू हर, वो बहुत डिस्टर्ब ना। डोंट वरी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मैं खुद बात कर लेता हूँ उससे। तुम परेशान मत हो। ठीक है, बाय। ओके। बेटा, ये दरवाजा क्यों खुला छोड़ा हुआ है? ओहो बाबा, शायद मैं बंद करना भूल गई। नहीं बेटा, आइंदा ऐसी गलती मत करना। जब तुम घर पे अकेली हो, हमेशा दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह से लॉक करके रखना। जब तक मैं ना हूं, तब तक दरवाजा मत खोलना। अच्छा बाबा, ये आपको क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं बेटा, मुझे फैजान पर अब जरा सा भी भरोसा नहीं है। वो किसी भी हद तक गिर सकता है। बंदा गैरों के वार से तो बच सकता है, लेकिन जब अपने ही दुश्मन हो जाए ना, तो बेटा उनसे बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा बाबा, आप बस ख्वामखा परेशान हो रहे हैं, ऐसी भी अब कोई बात नहीं है। चले, मैं आपको खाना खिलाती हूँ, आ जाए। समर बेटा। जी अम्मी। यहाँ बेटा। जी अम्मी, क्या बात है? भाई आ गया।
हाँ आया तो था, शायद अपने कमरे में होगा। अच्छा जाओ ये पानी ले जाकर भाई को पिला दो। शाबाश भाई, ये पानी पी ले। मुझे नहीं पीना, जाओ यहाँ से। अरे अम्मी ने खास आपके लिए भेजा है। मैंने कहा जाओ यहाँ से, नहीं पीना। समझ नहीं आती एक दफा की बात, समझ नहीं आती है। या अल्लाह खैर, क्या हो गया? अरे ये क्या कर दिया? दम किया हुआ पानी था, मैंने तुम्हारे लिए दम किया था, फर्श पे फिर जाओ, साफ कपड़े से साफ करो इसको। जी। मेरे अल्लाह, मुझे भी माफ करना और मेरे बच्चे को भी माफ करना, कैसी बेअदबी हो गई ये। अरे ये क्यों कर रहे हो, क्या हो गया, हमसे क्यों नाराज हो, हमसे क्या गलती हो गई? आपकी कोई गलती नहीं है, एक एहसान कर दे मुझसे, अकेले छोड़ दे मुझे, चली जाए यहां से प्लीज। ये क्या, ये कहां से लाया तुम, ये क्या चीज है? अम्मी ये दे मुझे। क्यों लाया, क्यों लाया? मैंने आपसे कहा ये दे। नहीं ये दोगे, क्यों लाया तुम ये, किस लिए लाया? ये लूटी डाई, खुदा की कसम चल जाएगी ये। क्यों लेकर आया घर में, किसने, क्या मकसद, बताओ मुझे क्यों लेकर आया? मैं कह रहा हूँ आपसे अम्मी, अम्मी चल जाएगी। क्यों लाया? अम्मी चल जाएगी। अम्मी दे, मैंने आपसे कहा कि दे। अच्छा दे, ये दे चल जाएगी। अम्मी नहीं हो, दे दे, बताओ क्यों लाया, ये क्यों लाया फैजान इस घर में, क्यों लाया, क्यों लाया, तुम्हारा क्या मकसद है, क्या करना चाहते हो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, क्या चल रहा है बताओ। मैंने सोच लिया अम्मी, अगर अगर वो मेरी नहीं हुई तो मैं उसे भी मार दूंगा और खुद को भी मार दूंगा। इस घर को आग लगा दूंगा, जला के राख कर दूंगा सबको, कोई नहीं बचेगा। आखिर कर दिया ना आपने अपने बेटे की जिंदगी का अहम फैसला। और मुझे कानों कान खबर भी नहीं होने दी, आपने तो साबित कर दिया कि मैं उसकी सौतेली मां हूं। बड़ी कामयाबी से आपने उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया है, मानना पड़ेगा आपको नजीब। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि बड़े साल लग गए मुझे आपका यह चेहरा देखने में। क्या कहना चाहती हो तुम? क्या सोचकर आपने ये सब कुछ राज रखा मुझसे? बेटे की शादी मां से छुपाई, किस मकसद से? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूं ना जी, मुझे जवाब दे। आप जानते थे ना कि मैं अपने बेटे के लिए आपको यह फैसला कभी नहीं करने दूंगी, उसकी जिंदगी कभी खराब नहीं करने दूंगी, इसलिए आपने मुझे इस पूरे खेल से निकाल दिया। नहीं मारिया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ लड़ाई से बचना चाहता था, तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई तलखी पैदा ना हो जाए, बस यही मकसद था मेरा और कुछ नहीं। आपकी इस बात में कोई लॉजिक नहीं है नजीब, असद की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर दिया आपने, मुझसे पूछा तो दूर, मुझे बताया भी नहीं, आखिर क्यों, क्यों नजीब? देखो मारिया, तुम उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती थी, तुम वहां नहीं थी, तुम्हें अंदाजा नहीं था कि वहां पे क्या माहौल था, जावेद और उसकी बेटी पे क्या गुजर रही थी तुम्हें नहीं पता था, खदीजा कोमा में थी, वो मर रही थी, ऐसे में उनको हमारी जरूरत थी। अरे वाह, हालात की नजाकत को समझते हुए आपने मरने वाले को ज्यादा तरजीह दी और मेरी खुशियां कुर्बान कर दी, यानी कि आपने अपनी बच्ची की खुशी भी नहीं देखी। आप उनकी मोहब्बत में इतने अंधे हो गए थे कि आपने अपने बेटे की खुशियां बर्बाद कर दी, उसकी जिंदगी के बारे में सोचा नहीं। आप कैसे बर्बाद कर सकते हैं उसकी खुशियां? क्या कह रही हो तुम? मां से शादी करने के बाद असद की जिंदगी क्यों बर्बाद होगी? मां एक अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी, सुलझी हुई, जावेद और खदीजा ने उसकी तरबियत की है, और मुझे नहीं लगता कि असद के लिए मां से बेहतर कोई और लड़की थी। और बिलफर्ज, जो कुछ तुम कह रही हो अगर ऐसा हो भी जाए
तो कौन सी कयामत आ जाएगी? जब वो ब्याह के तुम्हारे घर आएगी तो तुम अपने हिसाब से उसकी तरबियत कर लेना, सिंपल। अबू आप कहाँ पर हैं और कब तक आ रहे हैं? मैं काम से आया हूँ बेटा, बताओ खैरियत है? वो अम्मी थोड़ी परेशान थी भाई की वजह से और उनका बीपी शूट कर गया था। दवाई वगैरह दी तुमने? हाँ मैंने मेडिसिन्स दे दी है और अब वो बिल्कुल नॉर्मल है। अब वो आप प्लीज जल्दी आ जाएं। अच्छा आता हूँ। नजीब आप अपने गलत फैसले को किस खूबसूरती से डिफेंड कर रहे हैं? असद उसे जानता नहीं है, उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैंने दो दिन के लिए उसको आपके साथ भेजा था और आपने उसकी जिंदगी का फैसला कर डाला। सारी जिंदगी आप अपने रिश्तों से दूर रहे हैं, उसका बोझ आपके जमीर के ऊपर है। अगर आप उनसे गाफिल रहे हैं तो इसकी गफलत की सजा आप अपने बच्चे को नहीं दे सकते। मारिया प्लीज प्लीज, मैं तुमसे मजीद बहस नहीं करना चाहता। सो नो मोर आर्ग्यू प्लीज। मैं भी आपसे बहस नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे अपने बच्चे की बहुत फिक्र है और मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ। तो तुम क्या कहना चाहते हो? मैं उसे खुश नहीं देखना चाहता, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे उसकी तुमसे ज्यादा फिक्र है। नहीं है फिक्र, ना उसकी फिक्र है ना मेरी फिक्र है। जिन लोगों ने सारी जिंदगी मेरे बेटे के दिल में यह बात डाली है कि मैं उसकी सौतेली माँ हूं, उन लोगों के सामने मैं कभी हार नहीं मानूंगी। जिस लड़की का मैं नाम तक नहीं जानती हूं, आप सोचते हैं मैं उसे बहू तस्लीम करूंगी? ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और एक और बात, जितनी खामोशी से आपने असद का निकाह किया है ना वहां पर, उसी खामोशी से आप उन लोगों को बोल दीजिए कि हमें यह रिश्ता मंजूर नहीं है। उन दोनों का निकाह हो चुका है मारिया, और असद ने दिल से इस निकाह को कबूल किया था। तुम्हारे इस रोने धोने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए प्लीज प्लीज मारिया, बेहतरी इसी में है कि तुम दिल से इस रिश्ते को, इस निकाह को कबूल कर लो। नहीं, कभी नहीं, इस रिश्ते को मैं कभी कबूल नहीं करूंगी और आपको आपकी इस साजिश में मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। असद वही करेगा जो मैं कहूंगी। तुम भी मेरी एक बात याद रखना मारिया, अगर तुमने असद को मजबूर किया कि वो ये रिश्ता खत्म कर दे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और कभी मत भूलना, मत भूलना मारिया, कैसत मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा, और उसकी जिंदगी का हर फैसला करने का हक सिर्फ मुझे है। और मैं कोई पाबंद नहीं हूं तुमसे मशवरा करने के लिए, याद रखना मेरी इस बात को। मैं अपने बेटे को वहां के गम में रोज रोज मरते हुए नहीं देख सकती। क्या समझती हो तुम? मैं उसे इस हाल में देख के खुश हूं क्या? अरे मैं भी उतना ही परेशान हूं जितना तुम हो, पर क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपनी से हर कोशिश करके देख ली है मैंने, जावेद का दिल है कि नरम होने का नाम ही नहीं ले रहा। आपने जावेद से पैसों का तकाजा करके बहुत बुरा किया है, उसे घर छोड़ने का भी कह दिया, ये क्या किया आपने? तो और क्या करता मैं, मेरे पास और कौन सा रास्ता था? औलाद के लिए हाथ फैला लेते, मिन्नत कर लेते, समाजत कर लेते, अरे दो आंसू बहा लेते। आपने तो डायरेक्ट उसे एहसान जताने शुरू कर दिए। आपने कोई रास्ता नहीं छोड़ा तारिक, कोई रास्ता नहीं छोड़ा कुछ करें आप मेरे बच्चे के लिए। अरे फैजान की हालत देख के जो मुझसे हो सका वो मैंने किया, मैंने समझा शायद वो मजबूर होके हाँ कह देगा, मगर मेरा ख्याल है तारिक आप एक बार नजीब से बात कर कर तो देखें। क्या बात करूं नजीब से? अरे बात करें ना उसे, उसे बताएं कि फैजान माँ से शादी करना चाहता है, शायद कोई रास्ता निकल जाए। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? वो खुद जिस लड़की से अपने बेटे का निकाह करके गया है, मैं उससे ये कहूँ कि उस लड़की से मेरा बेटा शादी करना चाहता है? ठीक है तारिक, मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती,
मुझे जावेद की हर शर्त मंजूर है, बस आप उससे हाँ करवा दे, मेरे बच्चे के लिए हाँ करवा दे, मैं उसे मरते हुए नहीं। अरे क्या कर रही हो हीरा, खुदा के वास्ते संभालो अपने आप को, इतनी जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। चुप चुप हो जाओ, रोना बंद करो, खुदा ठीक करेगा। मेरे फैजान को बचा ले। कैसी शादी है जिसको तुम गुनाह की तरह छुपा रहे हो? मैं जानना चाहती हूँ कि वो लड़की कौन है, वो लड़की जिसने मुझसे मेरा बेटा छीना है। आखिर ऐसी कौन सी लड़की है जिसने तुम्हारे दिल में इतनी जगह बना ली कि तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे चीजें छुपाई क्यों? Good morning, Dad. Good morning. बैठो। क्या बात है, आज आप अकेले नाश्ता कर रहे हैं? मम्मी आई? नहीं, वो सो रही है, शायद उसकी नाराजगी अभी तक खत्म नहीं हुई। डैड आपने उनसे बात की थी? वो बहुत नाराज थी। She was very disappointed. मेरी तो उन्होंने एक बात तक नहीं सुनी। I wasn't expecting कि वो इतना ज़्यादा गुस्सा करेंगे। सही कह रहे हो तुम। Actually मैं भी उससे इतना hard reaction तो नहीं कर रहा था। Dad इसलिए तो मैं कह रहा था उनसे पहले ही बात कर लेते। उस वक्त शायद वो इतना गुस्सा नहीं करती। मगर अब वो बहुत हर्ट हुई हैं मेरी वजह से। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। आपने उन्हें नाश्ते बुलाया? नहीं, मैं उन्हें बुला के लेके आता हूं। बैठो। देखो असद, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम अपनी मॉम को नाराज नहीं करना चाहते थे और तुमने ये फैसला मेरी वजह से लिया। देखो बेटा, कब समटाइम थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल हो जाएगी, उसकी नाराजगी खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा प्लीज, तुमने अपनी माँ की मोहब्बत में कोई भी जज्बाती फैसला नहीं करना। मैं पहले ही बहुत बड़ा फैसला कर चुका हूँ जज्बाती होकर। दोबारा ऐसा कोई फैसला नहीं करूंगा फिर से जज्बाती होकर। सो डोंट वरी। गुड। मैं उन्हें देख के आता हूँ। आप अब तक सो रही हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? ठीक हूं मैं। चलें फिर उठे, मेरे साथ चल के नाश्ता करें। मुझे कुछ नहीं खाना है असद, तुम जाके नाश्ता कर लो। अगर आप मेरे साथ चल के नाश्ता नहीं करेंगी तो मैं भी नहीं करूंगा, सारा दिन भूखा रहूंगा। मामा आई नो आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मुझे आपसे बात करनी है। प्लीज उठे ना, मुझसे बात करें। मैं किसी से भी नाराज नहीं हूं असद, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, जस्ट लीव मी अलोन।
अरे बेटा तुम कहाँ जा रही हो? जहाँ रोज जाते हो, ऑफिस जा रहे। आज मेरा जाना बहुत जरूरी है, बहुत सारी मीटिंग्स है, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, कोई जरूरत नहीं ऑफिस जाने की। बेटा एक दिन ऑफिस नहीं जाओगी तो कयामत नहीं आ जाएगी। क्यों, आज क्या खास बात है पापा? देखो ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ सारी रात तुम जागती रही हो, रोती रही हो, देखो अपनी आंखें कितनी सुर्ख हो रही हैं। आज घर पे रहो, आराम करो बेटा। पापा तो कई रातें हंस के भी तो गुजारी है ना, एक रात रोकर गुजार ली तो इसमें क्या हो गया? देखो जरा, बेटी की आंखों में आंसू से ज्यादा बाप के लिए कोई दुख की बात नहीं होती। डोंट बी इमोशनल, मेरा जाना आके जरूरी है, और अगर मैं आज नहीं गई ना पापा तो शायद मैं कभी नहीं जा सकूंगी। मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहती, स्ट्रॉन्ग रहना मुझे। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। डोंट वरी पापा, सब कुछ ठीक होगा, आपकी बेटी बिल्कुल सही सलामत वापस आएगी। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। ठीक है चलो। मैं चलती हूँ। चलो कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया।